एक मुझको तू कर नहीं जाता। थाट कल्याण में कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं, 10 थाटों में कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं, इसकी एक सीरीज में जो चला रहा हूँ, इसमें बिलावल और भैरवी में तो आप लोग देख ही चुके हैं। आज इस वीडियो में आप पूरा अगर देखते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि थाट कल्याण में कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। तुलसीदास जी का लिखा हुआ एक भजन है ये, और पंडित जसराज जी उनका गाया हुआ, उन्हीं का कंपोज किया हुआ बहुत ही मेलोडियस राग देश में ये एक भजन है। आप ज़रूर सुनिएगा इसका ओरिजिनल वर्जन, आपको आपके रोम रोम को छू जाएगा। सो आइए फिर से बात करते हैं उसी पर कि थाट कल्याण में कौन कौन से हम कॉर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजर और माइनर दो प्रकार के कॉर्ड्स मैं आपको बताता आ रहा हूँ अब तक, और ग शुद्ध वाले होते हैं मेजर और ग कोमल वाले होते हैं माइनर। तो देखते हैं कि कौन कौन से कॉर्ड्स थाट कल्याण में लग सकते हैं, और जैसा कि मैंने पिछले भी दोनों वीडियोस में बोला है, इसमें भी यही बोलूंगा कि स्केल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इसमें, है ना। और स्केल्स और थाट दोनों की जाहिर सी बात है, क्योंकि हम जब कॉर्ड्स बना रहे हैं उसमें सारे गमा पधा निसा जैसे कल्याण कैसे जा रहा है, मेरे गमा पधा निसा नि दब मारे गा सा। अब गायकी में कहाँ कहाँ यूज आता है इस कॉर्ड का वो भी देखिए, और ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे सागा प बदलता है, तो हमको स्केल का भी नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे सा, अब यहाँ नॉर्मल हमारा जो उन्हीं स्वरों को सागा प मानने वाला सा लग रहा है, लेकिन निरेगामा यहाँ पे जो सागा प बन रहा है वो दूसरी काली का बन रहा है, जबकि मैं यमन जो है अभी पहली काली से बजा रहा हूँ, और यहाँ पे डी शार्प आ, तो ये समझने वाली बात है कि वो स्केल कैसे बदला और वहां से उस थाट का सुर कैसे बदला, है ना। तो पूरा वीडियो आपने अभी देखोगे जब आप स्क्रीन पे आपको नजर आएगा कीबोर्ड, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि कौन कौन से कॉर्ड्स और किस किस हिसाब से लग रहे हैं, है ना। गायकी में कहां कहां कैसे यूज आ रहा है वो भी देख लो एक बार। यहाँ पे ये सी शार्प कॉर्ड का इस्तेमाल है, ये भी सी शार्प ही है लेकिन पंचम मध्य की जगह मंद्र का आ गया। ये डी शार्प कॉर्ड है लेकिन इसमें भी पंचम मंद्र का लग रहा है, ना कि मध्य का। तो ये देखने वाली बात होती है कि जब हम ज्यादातर मध्य और मंद्र में ही हैं तो कॉर्ड का जो स्वरूप बन रहा है वो सा ग प बनेगा कि प सा ग बनेगा या घ प सा बनेगा, है ना। तो वो उस पर निर्भर करता है कि हम कौन से सप्तक में हैं, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और देखिए कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहली काली है, अब यहाँ से कल्याण के सुर जैसे जा रहे हैं सा नी ध प, फिर ये तीव्र म, ये खरज का तीव्र मा है, उसके बाद हम आगे बढ़े तो पा धा नी सा रे ग मा, ये तीव्र मा पा धा नी सा, है ना। और आगे भी ऐसे ही ये सा रे ग मा पा तक, है ना। अब इन्हीं के बीच में हमें कॉर्ड्स देखने हैं, तो सबसे पहले सा का देखेंगे, तो सा से क्या क्या बन रहा है, सा ग प, जैसा कि हम बिलावल में देख चुके थे, तो लगभग लगभग वही बनेंगे क्योंकि थोड़ा ही फर्क है तीव्र मध्यम का। तो ये सी शार्प हमारा पहला कॉर्ड बना है, सी शार्प मेजर, कैसे कैसे लगा सकते हैं अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, प सा ग, है ना, सा ग प, और ये ग प सा करके भी लगाया जा सकता है इसी को, है ना। निर्भर करता है कि आप कौन से सप्तक में गायकी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, फिर आते हैं रे पर,
तो रे में जैसे आते हैं तो तीव्र मध्यम का क्योंकि प्रयोग है तो ये डी शार्प बनता है हमारा यहाँ पे, डी शार्प मेजर। ये जो सा है अगर इसको सा मानोगे तो समझ आएगा कि ये सा ग प बना है, सा रे ग म प। लेकिन ये पहली काली से तो सा रे ग म प ध रे म ध। लेकिन ये कॉर्ड कब माना जाएगा, जब इसको आप सा मानोगे तो समझ आएगा, है ना। तो ये सी शार्प, फिर दूसरा कॉर्ड बना हमारा ये डी शार्प। इसको अलग अलग ढंग से कैसे लगा सकते हो आप देख सकते हो, है ना। अब गंधार में यही कॉर्ड है, सेम सी शार्प वाला ही इस्तेमाल आ जाएगा, है ना। मध्यम में भी सेम कॉर्ड का इस्तेमाल होगा, डी शार्प का ही, डी शार्प जो आपका मेजर है। क्योंकि अगर आप रे से और कॉर्ड देखोगे तो ये डी शार्प माइनर है जो कि हमारा शुद्ध मध्यम प्रयोग में नहीं आता है। अब यहां से अगर देखोगे गंधार को सा मान के अगर कॉर्ड बनाने जाओ सा रे ग म प ये बनता है, जो कि हमारा कोमल धैवत है, जो हमारा लगता नहीं और शुद्ध नहीं लगता है, पर ये नहीं लगता है तो कैसे मानेंगे। और ये भी बन सकता है बनने को तो, है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो एफ है और एफ माइनर हमारा जो कॉर्ड है वो बन रहा है, लेकिन ये कहीं भी यूज में नहीं आएगा, उपयोग में आप इसे नहीं ले सकते क्योंकि स्वरूप में नहीं आता है। कहीं भी नी लगाएंगे तो हम ऑलरेडी ये नी धपा, और ग लगाएंगे तो लगाने को तो ये भी एक कॉर्ड है ना। आप बोलें कि स्वर तो प्रयोग आ ही रहे हैं ना, ये तीनों स्वर इसमें लग रहे हैं लेकिन स्वरूप नहीं बन रहा है, ठीक है। मध्यम पे अगर हम जाते हैं तो यहां से अगर सारे गमा पा बोलोगे तो सारे गमा पा, तो ये दोनों ही स्वर हमारे यमन के नहीं है, है ना। और ये भी इन दोनों, ये दोनों है लेकिन ये नहीं है, तो यहां से कोई कॉर्ड नहीं बन रहा है। इस पर भी हम डी शार्प का ही यूज करेंगे। फिर पंचम पे हमारा जी शार्प बनता है, इसको किसी भी तरह यूज कर लो, है ना, किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इस पर आओ तो अगर आप ए शार्प को जाओगे तो नहीं बनेगा क्योंकि ये स्वर हमारा नहीं लगता है, और कहने को तो ए शार्प माइनर इसमें यूज आएगा, लेकिन वही बात है जो इसके साथ हो रही थी एफ माइनर के साथ, स्वरूप नहीं मैच करेगा, कहीं भी आपको कल्याण में यमन में इसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो कॉर्ड बनेगा बिल्कुल लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि स्वरूप में नहीं है। धैवत जब भी लगता है तो डी शार्प से काम हो रहा है ना, और जब निषाद लग रहा है तो जी शार्प से काम हो रहा है ना। वरना नी का देखें तो ये कॉर्ड भी वैलिड है ना, क्योंकि नी रे और तीव्र मध लग रहा है और ये सी माइनर है ना, लेकिन ये वही बात यूज कहीं नहीं आने वाला है। तो तीन कॉर्ड्स हैं जो इसमें लग रहे हैं पर यूज नहीं आएंगे, वो एफ माइनर, एक ये कॉर्ड है ना, ये भी बन रहा है लेकिन ये वही है डी शार्प का ही जो है अलग रूप है, गपसा है ना। तो एफ माइनर, ए शार्प माइनर और सी माइनर, ये तीन कॉर्ड इसमें लगेंगे पर इस्तेमाल नहीं आ सकते। और कौन कौन से इस्तेमाल आ रहे हैं, सी शार्प मेजर, डी शार्प मेजर, जी शार्प मेजर, है ना। तो ये यही कॉर्ड इस्तेमाल आ रहे हैं। अब जैसे ये लग रहा है पर कहीं यूज नहीं आएगा ये, है ना। तो बस तीन कॉर्ड में ही काम हो रहा है, सा नि प म रे ग न, ये जो कॉर्ड है आप देख रहे हैं, है ना, ये वही कॉर्ड है, जी शार्प ही है ना, वही है। अब इसी कॉर्ड्स के उल्टे पलट के आप, है ना, रूप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी आपने देखा कि मैंने इसका यूज नहीं किया, ये भी नहीं लगाया, है ना। ये बड़ा ही
अजीब लग रहा है। तो वही है, कुछ कॉर्ड्स लगते हैं मगर स्वरूप में नहीं आते हैं, तो इसलिए हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही आप बाकी दो थाटों के भी वीडियो देख लीजिए और आगे भी बाकी जो 7 थाट बचे हैं उन पर भी जल्द मैं कॉर्ड्स का वर्णन करूँगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब जरूर करें।